खबर ट्विटर की आपको बता देते हैं। ट्विटर पर कब्जा करने के बाद आपको बता दें इलॉन मस्क ने पहले ही घोषणा कर दी कि ब्लू टिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया में बदलाव करने की प्लानिंग वो कर रहे हैं। रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि यूजर को ट्विटर ब्लू टिक के लिए $4.99 प्रति महीने से बढ़ाकर $19.99 यानी करीब ₹1,600 खर्च करने होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि जिनका अकाउंट पहले से वेरीफाइड है उन्हें 90 दिनों के अंदर ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, नहीं तो प्रोफाइल से ब्लू टिक हट जाएगा। और हमारी सहयोगी रक्षा हमारे साथ लाइव जुड़ गई। रक्षा, जब से नए बॉस बने हैं इलॉन मस्क, एक एक करके नई चीजें वो इजाद कर रहे हैं, अब ब्लू टिक को लेकर नया मामला आ गया, यानी ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन की बात यहां पर हो रही है। पैसे नहीं देंगे तो ब्लू टिक जो मार्क है, जो जिसे हम वेरीफाइड कहते हैं, वो हट जाएगा। जी बिल्कुल श्वेता, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब से वो आए हैं उन्होंने काफी चीजें चेंजेस करी हैं, बट ये भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि काफी चीजों के बारे में उन्होंने पहले से बात करी हुई थी। ही हैज ऑलवेज मेंटेन्ड कि वेरिफिकेशन जो है ट्विटर पे वो अजीब सी एक क्लास सिस्टम है जो उनको लगता है। ही समबडी हु बिलीव्स इन फ्री स्पीच, इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी, तो उनके हिसाब से उनको लगता है कि एक तो वेरिफिकेशन की प्रोसेस क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है कि कुछ लोगों के पास बहुत कम फॉलोअर्स हैं वो फिर भी वेरीफाइड हैं, कुछ लोगों के पास बहुत फॉलोअर्स हैं पर वो वेरीफाइड नहीं है, कुछ लोग जो है वो फेक अकाउंट्स चला रहे हैं। लेकिन तो वेरीफिकेशन का असली मतलब यही है कि एटलीस्ट वो पर्सनैलिटी रियल है या फेक है उसकी जानकारी मिल जानी चाहिए लोगों को जो बाकी यूजर्स हैं। तो ही हैड ट्वीटेड दैट द एंटायर वेरिफिकेशन प्रोसेस इज बीइंग रिवैम्प्ड राइट नाउ। दैट वाज हिज ट्वीट फ्रॉम यस्टरडे। नाउ व्हाट इलॉन मस्क हैज डन इज उन्होंने अपने टेस्ला के काफी इंजीनियर्स को एडवाइजर्स की तरह अभी फिलहाल ट्विटर पे रखा हुआ है। तो उनका कहना ये है कि हम ये पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस भी चेंज करेंगे और उसको चार्जेबल करेंगे। As you rightly said, 90 दिन का टाइम दिया है कि by November 7th, first of all, एक हफ्ते के अंदर अंदर इन इंजीनियर्स को वो नया वेरिफिकेशन का प्रोसेस निकालना है, which is a Twitter Blue subscription, जो पहले $5 पर महीने पे मिलता था, अब by November 7th वो इनको $20 पर मंथ करना चाहते हैं, which is around 1600 रुपीज per month just to stay verified on Twitter and to enjoy Twitter Blue subscription features, जैसे कि edit करना tweet को या undo करना tweet को, इस तरह की चीजें। और Twitter Blue feature अभी तक इंडिया में आई भी नहीं है, वो अभी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैनेडा, US जैसे कुछ countries में है। तो अब ये November 7th तक क्या इंडिया में भी आ जाएगा, क्या वो overall हर country के users को जाएगा या नहीं, ये हमें देखना है। और हाँ, अगर वो नवंबर 7th को रोल आउट हो गया तो उसके बाद 90 दिन का टाइम रहेगा वेरीफाइड यूजर्स के पास, उनको उन 90 दिनों डिसाइड करना पड़ेगा कि वो पे करके वेरीफाइड रहना चाहते हैं या बिना किए फिर अपना वेरिफिकेशन बैच गिव अप करना चाहते हैं। जी रक्षा, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।